Hey guys, Assalamualaikum. Welcome to my new vlog. So guys, sorry to see after a long time. Hi. अबे साल. Because यार कि मेरा ना फोन ब्रोक हो गया था और आपको पता है कि मेरे सारे पैड्स भी मर गए थे. मैं बहुत अपसेट था तो बिल्कुल दिल नहीं करता था मेरा कि मैं व्लॉग बनाऊं और ऐसा ना. लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो है ना, मैंने कहा यार मैं अपनी पब्लिक को अपने से क्यों हर्ट कर रहा हूँ, क्यों एकदम गायब हो गया स्क्रीन से. तो मैं आप लोगों को बताऊं भी, तो गाइस सीन ऐसा था कि मेरा लास्ट व्लॉग जो आपने देखा होगा बारिश वाला, वो उसमें जो है ना मेरा फ़ोन और जिपो का लाइटर जेब में था, तो उससे मेरी स्क्रीन जो है ना वो डैमेज हो गई. बाकी तो फ़ोन ठीक है, स्क्रीन ख़राब हो गई थी. खैर अभी जो है ना मैं दोबारा आया हूँ, ख़राब फ़ोन के साथ ही आया हूँ, ठीक नहीं कराया मैंने इसको, क्योंकि मैंने चेंज करना है. और जब चेंज करना है तो फिर अभी इसको ही चलने दें, जब तक इसको घिसना है घिसते रहो और जब नया फ़ोन आ जाएगा फिर हम उसके साथ आप लोगों का ब्लॉग भी शेयर करेंगे इसको नया फ़ोन लेकर आने का. और क्या, हाँ अभी गाइस हमारे पास दो सीन है कि अभी हमने हमारी जो बेला है ना वो उसके बच्चे, आपको पता है एक इंसिडेंट हुआ जिसके वजह उसके बच्चे मर गए. सो अभी मैं जो है उसको नहला धुला के उसको वापस, क्योंकि बहुत अपसेट हुई है, मतलब जैसे डिप्रेशन में चली गई होगा ना. मेरा वाला सीन है उसका कि वो मेरे रूम में नहीं आ रही, घर में बैठी रहती है या छत पे चली जाती है, रूफ टॉप पे, रात भर रूफ टॉप पे रहती है, दिन भर हॉल के अंदर रहती है. रूम में जैसे वो रहती थी खुश फाश वैसे नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है ना, सीन ये हुआ था कि उसने मेरे रूम में बच्चे दिए और मैं रमज़ान थे, मैं बाहर था, तो कोई जंगली बिल्ला जो आया उसने अटैक किया, तो वो मेरी मामा ने देख लिया था लेकिन बचा लिया. लेकिन उसके बाद बेला ने बच्चे अपने खुद ही मार दिए और उसके बाद वो रूम से भी चली गई. अब वो रूम में आती नहीं, आती है बहुत कम मेरे से, जैसे खाना वगैरह लेना होगा थोड़ा बहुत आई, जैसे पहले सोती रहती थी. जी बेला कैसी हो, नहा लो, तुम बहुत गंदी हो गई थी. गैस बेला ने बस आपको पता है बच्चे भी दिए थे और इसके बच्चे जो है ना वो एक दूसरे बिल्ले साथ उन्होंने मार दिए, और जिसकी वजह से बेला ने अपने बाकी जो दो बच्चे बच्चे थे उनको खुद ही मार दिया. ये बिल्लियों में बड़ा अलग होता है कि अगर कोई दूसरा बिल्ला इनको देख लेना इनके बच्चे, तो बिल्ली अपने बच्चे भी खुद मार देती है अगर वो उसके नुकसान थोड़ा सा पहुँचाने की कोशिश करे. उससे नुकसान पहुँचाने से पहले बिल्ली चाहती है कि वो अपने बच्चे खुद ही मार के ख़त्म कर दे. जैसे वो होता है ना कि खुद से नुकसान हो जाए तो उतना दुख नहीं होता, किसी और से हो जाए तो उससे हो जाए तो ज़्यादा दुख होता है. इनका भी यही हिसाब होता है. तो गाइस बेला को तो मैं नहला चुका हूँ, अभी आपको एक और मैं खुशखबरी देता हूँ, क्योंकि हमारी जो ब्लैक वाली हैन थी उसके नीचे मैंने अंडे हैच के लिए रखे थे, इनक्यूबेटर के अंडे. तो मैंने आपको वो उसका भी सीन मैं बताऊँगा, बड़ा ख़तरनाक सीन हुआ था वो. पता नहीं नज़र लगी थी गाइस मेरी लॉबी को ऐसी गंदी नज़र लगी थी ना. खैर अभी हम चलते हैं उधर ब्लैक वाली हैन के पास, क्योंकि उसमें मैंने अंडे हैचिंग के लिए रखे थे तो उसमें से बच्चे निकले. अभी आपको क्यूट से बच्चे दिखाते हैं. बीबी आप जब तक इधर बैठो, थोड़ा सा ड्राई हो, फिर हम आपको रूम में वापस लेके जाते हैं, ड्रायर से अच्छे से ड्राई करते हैं, ठीक है. इसको गाइस बहुत सारी लीज भी हो गई थी, अभी बहुत प्यारी सी लग रही है ना, गंजी बंजी हो गई थी बुली जी. चलो अभी मैं आप लोगों को अपनी, चले गाइस अभी हम चलते हैं आपको अपने चिक्स दिखा. चिक्स तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब ठोक डालें बुरी तरह. फिर मैं आपको, आज वैसे ही रमज़ान है, रोज़ा भी मुझे टायर्ड लग रहा है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता गाइस. तो अभी हम चिक्स देखते हैं. सो गाइस अभी आप देख ही लें हमारे, आपको छोटे 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 मुझे मुँह नज़र आ रहा है ना, हैं किसी बच्चे जो है ना पोले पोले, जिनको भी हम बाहर नहीं निकाल सकते गाइस, क्योंकि हम इनको बाहर इसलिए नहीं निकाल सकते, ये वो जो इसके नीचे ना मैंने सरप्राइज एग्स और भी रखे हैं, तो मैं आपको भी बताऊंगा नहीं वो किस चीज़ के एग थे. तो जब वो चूजे निकल जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोगों से मिलवाऊंगा हमारा एक नया बर्ड, और बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है. तो उसके भी एग्स हैं, इसमें आपको थोड़ा सा ना उसके एग्स दिखाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये देखें बताऊँगा नहीं ये एग किस चीज़ के, अगर आप खुद गैस कर लेंगे. ये देखें, ये आपको दिख रहे हैं, ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि किस चीज़ के आएगा. तो गाइस बाकी सीन हमारे आ गए पीजन्स पे, तो पीजन्स का भी मैं आपको दिखाता हूँ. तो पीजन्स पे हमारे पास गाइस
ये वाला मेल, ये फीमेल और ये पेयर, ये बच गया, और इस मेल के जो दो बच्चे थे वो भी हैं, ठीक है, और एक ब्लैक वाला, जो ब्लैक वाला बच्चा वाला ब्लैक था ना, जिसका पेयर बन गया था, वो बच्चा गायब हो गया, किसी ने उसको पकड़ लिया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। टर्की बर्ड हमारे ठीक ठाक हैं, और रैबिट उनके साथ बड़े मज़े से सोया हुआ है, सही है। अच्छा गाइस, रैबिट की फीमेल भी जो है ना, वो भी इस बीमारी का शिकार में मर गई थी। खैर अभी जितने बर्ड्स हमारे पास बचे हैं वो ये हैं। टर्की देखें फुल डांस करने लगा है, लेकिन परवर उसने अपने ख़राब कर लिए हैं, जगह उसने अपनी ख़राब कर ली है। डक जो है वो भी है। अब गाइस मैं इस डक को चेंज कर दूंगा, अब हम इसकी जगह वो जो बड़ी वाली डक्स होते हैं ना वो लेकर आएंगे। मुर्गा मेरा दम वम तोड़ चुका है अपनी मुर्गी की मोहब्बत में, अकेला रहता है ना। बच गए हमारे राजा, राजा का नाम लिया, राजा ने कहा बाबा मैं कैसे नहीं अपने एटीट्यूड दिखाऊं, कैसे नहीं मैं तो मॉडल हूँ, है ना। इधर आओ राजा, राजा हो सल्लू भाई नहीं हो जो तुम्हारे भी एटीट्यूड चल रहे हैं। हम अभी नमाज़ पढ़ के बाहर आए तो हमें हमारी एक प्यारी सी फैन मिली है, कहना चाहती है अपना होम टूर कराएंगे या मेरी पेट्स लॉबी को होम टूर करेंगी, हैं बता, पेट्स लॉबी में आओगी, टूर करेंगी, करवाएंगी नहीं करेंगी, तो मतलब आप इन लोगों को पब्लिक के साथ करवाओगी। आपने कल वाला व्लॉग ज़रूर देखना है, और इस वाले व्लॉग को भी जल्दी से लाइक सब्सक्राइब दें। सही है, अब कल आप पक्का आके पेट्स लॉबी का टूर करेंगे, तो अभी गाय को अल्लाह हाफिज़ कर दें। होप यू गाइस एंजॉय माय वीडियो, सो जल्दी से जाएं लाइक शेयर सब्सक्राइब सब ठोक डालें। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छे से कंटेंट के साथ। आज तो आपको सारा इंट्रोडक्शन करवाया, सारे पुराना जो भी हमारा था उससे मिलवाया, उसके बाद हम अपने सही तरह कंटेंट पे आएंगे, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।